ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਫ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ। पंजाबी यूनिवर्सिटी की छत से चढ़िया कॉन्ट्रैक्ट अध्यापक, जीवन लीला खत्म करने की दी धमकी। सुरक्षा घेरा टुटन से राहुल ने कहा, सुरक्षा विच कोई कमी नहीं। ते हुन इन खबरों का विस्तार से कुछ होर खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा विच एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना उत्ते हमला बोलिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी दिल्ली विच एक चुड़ी हुई सरकार दे कामकाज विच जानबूझ के रुकावट पा रहे हैं, जिस कारण दिल्ली दे 2 करोड़ लोगों की बेहतरी लई कीते जाण वाले कम्मां विच अड़ीके पै रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे से सियासी हितों लई अजिहा कीता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह राजनीतिकरण नहीं आए हैं, इस तरह की राजनीति हर हालत विच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कौन है एलजी, कित्थों आया है? इस दे नाल ही उन्होंने तंज कसिया कि समा बड़ा बलवान है, कदे केंद्र विच साडी भी सरकार बन सकती है। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे अपने पैसे से, लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर? अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे? समय बड़ा बलवान होता है, किसी कुछ भी परमानेंट नहीं है जिंदगी में, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। कोई अगर सोचे कि मेरी सरकार बन गई, अब जिंदगी पूरे मेरी सरकार रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आज मेरी सरकार है, कल हमारी सरकार नहीं होगी। हमारी सरकार 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, कभी ना कभी तो बदलेगी। आज उनकी सरकार है, परमानेंटली उनकी सरकार नहीं होगी। आज है, कल है, परसों है, अगले दिन बदलेगी। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा, ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। दिल्ली में हमारे एलजी हो। जीरा नेड़ले पिंड मंसूरवाल कला विखे स्थित मालब्रोज शराब फैक्टरी सामने पिछले लगभग 6 महीनों तो इलाके के किसानों और आम लोगों वालों सांझा मोर्चा बना के किए जा रहे रोस प्रदर्शन नूं उस समय बूर पिया जदों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों बकायदा मालब्रोज शराब फैक्टरी नूं बंद करन दा ऐलान कर दिता। उधर मोर्चे विच आम आदमी पार्टी फिरोजपुर शहरी तो MLA रणबीर सिंह भुल्लर ने फैक्टरी नूं बंद करन दा ऐलान करदिआं मुख्यमंत्री पंजाब वालों ऐलान की पुष्टि करदिआं कहा कि जो शराब फैक्टरी नाल संबंधित केस पंजाब सरकार खुद लड़ाई लड़ेगी। शराब फैक्टरी नूं 6 महीने बाद बंद करन संबंधी MLA भुल्लर ने कहा कि वख-वख टैस्टां ते कानूनी प्रक्रिया के चलदिआं समां लगा है अते इस संबंध विच तफतीश करदिआं पूरा विश्लेषण करन उपरंत शराब फैक्टरी बंद करन दा ऐलान कीता है। जिहड़ी जीरा शराब फैक्टरी है, ये धरती की हैक पाड़ के थले गंदा पानी, अलकोहल वाला पानी पा रही थी, धरती की हैक पाड़ के थले सोआ सट के उसे गंदा पानी पा रहे थे। असी कई वीराना दे धरने मुजाहरे किए, साडे इलाके दे लगातार जाना जा रही सन, मनुखा दिया लगातार डंगर मार रहे थे। असी कई बार धरने मुजाहरे किए पर इन्हां ने साडी इक नहीं सुनी। जदों इक बारी भगत बाबा दुनिया समाज से लंगर के विचों गंदा पानी निकलिया तो फिर इलाके ने इकट्ठा हो गए, ये सहुं खाधी कि जिन्ना चेर शराब वाली फैक्टरी बंद नहीं होंगी उन्ना चेर ये मोर्चा नहीं उठाया जाऊगा। सो ये मोर्चे के बच्चे असं धन्यवाद करते जिन्हें पंजाब के लोग इतने पहुंचे, किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, वातावरण प्रेमी, खास तौर पर चैनल आए मेरे वीर पत्रकार मेरे वीर साढ़े IG सकरण साहब जी, DIG अजीत सिंह जी, साढ़े SSP कंवरजीत कौर जी,
ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਬੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੁਵਕ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪਲਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਕ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੋ ਅਨਾਊਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਿਜ਼ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 14-14 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ MP ਦੀ ਵੋਟ ਸਮੇਤ 15 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 29ਵੇਂ ਮੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਨੇਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੀ ਔਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ PU ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ, ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। 34 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ UGC ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
सुरक्षा एजेंसियां ने यात्रा दे कश्मीर पहुंचने नूं लैके अलर्ट जारी कर दिता है। उन्होंने राहुल गांधी नूं कुछ थावां ते ना जाण दी सलाह दित्ती है। जानकारी मुताबिक यात्रा नूं सुरक्षित बनाउण लई योजना बनाई गई है। उत्थे राहुल गांधी वल्लों अज प्रैस कानफ्रेंस भी कीती गई, जिस विच उन्हां ने दोहराया कि यात्रा भारत च नफरत मिटाउण लई कीती जा रही है। इस दे नाल ही उन्हां भगवंत मान नूं फिर नसीहत दित्ती कि दिल्ली तों नहीं पंजाब नूं खुद चलाओ। इत्थे इह वी दसणा बणदा है कि कांग्रेस दे साबका प्रधान राहुल गांधी दी भारत जोड़ो यात्रा अज सवेरे जदों पंजाब दे हुशियारपुर दे टांडा तों शुरू होई सी तां सुरक्षा घेरे नूं तोड़ के एक नौजवान ने कांग्रेस नेता नूं जफ्फी पाउण दी कोशिश कीती। राहुल जदों यात्रा विच जा रहे सन तां इक व्यक्ति प्लस सुरक्षा घेरा तोड़ के उन्हां कोल आ गया ते जफी पाउण दी कोशिश कीती। उस नूं तुरंत सीआरपीएफ सुरक्षा ने पिछे धक्क दित्ता। इस तों बाद राहुल ने कहा कि सुरक्षा विच कोई कमी नहीं सी, बस नौजवान भावुक सी, इस लई उन्हां नूं मिलना चाहुंदा सी। What lapse was there today? No. Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. The PCC president has already issued a statement on this incident, which you call a lapse. It's not a lapse. Indian Express, Navjeevan Gopal. There's quite a lot of enthusiasm in the yatra. Many people get overexcited, and that was a case where he was a bit extra charged up. So there's no problem. It's happened many, many times before. I wouldn't call that a security. अंग्रेज़ां विरुद्ध आज़ादी संघर्ष विच हिस्सा लै के शहीदियां प्राप्त करन वाले कूका सिख शहीदां दी याद विच पंजाब सरकार वल्लों राज पद्धरी शहीदी समागम करवाया गया। इस समागम विच पंजाब सरकार दी तरफों कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शिरकत कीती ते नाल ही विधायक मलेरकोटला ते अमरगढ़ ने भी हाजरी लगवाई। इस मौके दूरों नेड़ियों आईयां संगतां ने जिथे इस नामधारी शहीदी समारक की अहमियत बारे जानकारी दी, उत्थे ही कहा कि वड्डी गिणती दे विच संगतां पंजाब विचों नहीं बल्कि विदेशां तों भी इस थां ते पहुंच के शरधा दे फुल भेंट करदियां हन। इस मौके कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इन्हां शहादतां नूं कदे भुलाया नहीं जा सकता। देखो, मैं समझदा कि इह ओह पावन पवित्र धरती है जिस धरती दे उपर 66 योधियां नूं तोपां अगे खड़ा करके शहीद कर दिता सीगा अंग्रेज़ां ने, और सतगुरु राम सिंह जी महाराज की सोच दे उपर चलदे होए देश कौम नूं गऊ गरीब नूं बचाउण दे लई उन्हां ने शहादत प्राप्त की, और उत्थों ही समुचे देश दे विच आज़ादी पाउण दी जिहड़ी होका सीगा जिहड़ा एक चंगारी सीगी उस तो बाद ही शुरू हुई है। मैं समझदा कि इहो जिहे इस पवित्र धरती नूं जिन्ना सजदा कर लिए उन्ना थोड़ा, और अज दे इस पावन पवित्र मौके दे उपर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने खुद आउणा सीगा, पर उह कुछ अजिहे करके नहीं आ सके। मैनूं ड्यूटी लगाई है हंसपाल जी, असी सारे इकट्ठे हो के इस पवित्र धरती नूं सजदा करन दे लई पहुंचे। पायल तो विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा वालों मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं चिट्ठी लिख के खन्ना दे एसएसपी नूं बदलन दे मामले विच हुण सियासत पक गई है। इस मामले विच कांग्रेस अफसरशाही दे हक विच खड़ गई है। साबका मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने एसएसपी खन्ना दे काम दी तारीफ करदे होए आप विधायक ग्यासपुरा उपर दूषणबाजी दे इल्जाम लाए। ग्यासपुरा दे अस्तीफे दी मांग कीती गई। उत्थे ही राहुल गांधी दी सुरक्षा विच चूक मामले विच कोटली ने कहा कि इह गंभीर मसला है। कोटली ने कहा कि मनविंदर सिंह ग्यासपुरा लंबे समय तों इल्जाम कांग्रेस उपर लाउंदे आ रहे सी, हुण विधायक बनण मगरों अपनी सरकार विच वी इही दोष लगा रहे हन। अफसरशाही नूं बदनाम कीता जा रिहा है। आ दो तीन दिन होए ने दोष प्रति दोष लग रहे ने साढ़े जड़े पायल दे एम एल ए ने आम आदमी पार्टी दे ग्यासपुरा साहब, वो ये कह रहे ने कि थाणियां दे विच करप्शन चल रही है और उस दी आड़ दे विच नजायज़ धंधे चल रहे ने। उन्होंने स्क्रैप का जिक्र किया, नशियां का जिक्र किया। ये अज तो ठीक साल पहला जो इलैक्शन चल रही थी विधानसभा की उदों भी यही दोष ला रहे थे, यही लोग सी उदों भी यही कह रहे थे कि ये कांग्रेस ही बकवा रहे ने नशे, ये स्क्रैप का काम जड़े ने कांग्रेस ही आगू कर रहे ने। साढ़े ते भी बहुत ज़्यादा दोष लाए गए। तुहानू पता नजायज फैक्टरी का जिक्र पहला आपां पिछली प्रैस कॉन्फ्रेंस भी आपां जिक्र करके हटे हाँ कि उदों इन्हां नूं बड़ा सौखा लगता सीगा क्योंकि सरकार साडी सीगी, तो लोगों भी लगन लग्या सी भी शायद वाकई कोई ना कोई इस तरह जड़े ने जड़े राज कर रहे आगू ने उन्होंने कितने ना कि इन गलों ना तारा जुड़िया हुई ने। तो अज फिर उही दोष ने साल बाद सरकार हुण इन्हां दी। ये की सिद्ध करना चाहते ने
ये क्यों नहीं सरकार इस गल का पता ला रही। अगर इन्हों लगता भी नशे बिक रहे हैं तो फिर कौन बिका रहा, कितने बिक रहे हैं, उन्होंने इन्हों फड़ा चाहिए। कन्नू वेलफेयर सोसायटी वालों माता गुजर कौर सेहत केंद्र पिंड न्यूणा उच्चा विखे डॉक्टर हरपाल सिंह की अगवाई विच लोहड़ी नूं समर्पित समागम करवाया गया, जिस दे विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा मुख मेहमान जबकि विधायक लखवीर सिंह राय विशेष मेहमान वजों शामिल हुए। इस मौके कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने संबोधन करदिया कहा कि पंजाब दे विच होर फूड प्रोसैसिंग यूनिट स्थापित किए जाणगे। एक कीता खेतीबाड़ी दे नाल जुड़िया होया है, किसानों नूं फसली जाल दे विचों कढ़न दे लई व्योंतबंदी की जाएगी। भगवंत मान सरकार आम लोगों की सहूलत को मुख रख के काम कर रही है, असी विश्वास दवाते हाँ कि हमेशा लोगों की सेवा दे विच हाजिर रहांगे। अज रोने पिंड विखे आए थे जिहड़ा कन्नू जी वेलफेयर सोसायटी है उसके वालों कैंप लाया गया सी। सो सेहत नाल संबंधित जिहड़े हैगे आ उरे दो जिहड़े क्लीनिक चल रहे हैं, सो चंगा उपराला है। जिहड़े एन आर आई भरा ने उन्हां दे सहयोग नाल ये लगातार जिहड़ा काम किया जा रहा है, पर पंजाब सरकार है वह भी सेहत दे विच जिहड़ा तत्पर है और उन्हें भी चंगा जिहड़े कदम पुट्टे ने और पंजाब दे लोकां दी सेहत का ख्याल साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान दी अगवाई दे विच चंगे काम जिहड़े किए जा रहे हैं। देखो बड़े अहम जिहड़े हैगे आ सीधे किसानी नाल संबंधित ने, सो आने वाले समय के जिहड़े फूड प्रोसैसिंग यूनिट ने जिहड़े वह भी लवावांगे और जिहड़ा हॉर्टीकल्चर है जिहड़ा कि बहुत सारा विदेशों के बहुत सारी वो जिहड़ी हैगी होंद कायम है, सो उस होंद नूं पंजाब दे विच लेके आवांगे ताकि पंजाब के किसान भी जिहड़ा जिहड़ियां कुछ फसलों ने उन्हां चों बदलाओ बदल के उन्होंने दूजे पासे लैके जिते उन्हां दी आमदन भी चंगी होवे और उहदे नाल जिहड़ा पानी का जिहड़ा पत्थर जिहड़ा नीमे जा रहा वो तो भी रोकिया जा सके। भाजपा की कौमी कार्यकारिणी ने अज सरबसंमति नाल पार्टी प्रधान जे पी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक वधाउण नूं मंजूरी दे दित्ती है। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकारिणी की बैठक के स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दित्ती। श्री शाह ने इस दौरान श्री नड्डा की अगवाई की तारीफ भी की ते कहा कि उन्होंने प्रधानगी हेठ भाजपा ने कई अहम चोणां जीतियां हन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक वधाउण का प्रस्ताव रखा जिस नूं सारे मैंबरां ने स्वीकार कर लिया। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक ऐप लॉन्च की है जिस नाल किसानां नूं बीज अते खादा बारे सही जानकारी मिलेगी। उन्हां कहा कि नकली बीजा की विक्री उते रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा है कि किसानां नूं नकली बीज मिलन करके उन्हां दा बहुत नुकसान हुंदा है। मंत्री कुलदीप धालीवाल का कहना है कि नकली बीजा की जांच की गई है जिस नाल किसानां ने कई बार नकली बीज मुताबिक नुकसान भी हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ऐप उत्ते बीजा बारे जानकारी दी जाएगी। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि पंजाब विच खेती नीति 31 मार्च तक लियांदी जा रही है। उन्होंने कहा है कि नवी खेती नीति लई 11 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को मीटिंग भी की जाएगी। ये दो तरह की मतलब जो पहला आप एक जो पोर्टल लिया ऐप है वो तुम मतलब हड़े अज असी जारी कर लगे पंजाब राज बीज प्रमाण संस्था लिए बीज उत्पादन वास्ते है। ये जरा मतलब ये अही ऐप से जो पोर्टल जो जारी अज करना है ये साडा ते भारत सरकार का एक सांझा उपराला। इहदे नाल जिहड़ा बीजां की जिहड़ी किद्दां उन्हां नूं मानता देनी है किद्दां उह मतलब दुरुस्त ने ठीक ने वो जिहड़ा बहुत जल्दी उसे लई मतलब जिहड़ा पारदर्शिता दे नाल वो होगा।
ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤਿਓਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।